हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज बस और मैं हूं आपकी दोस्त प्रियांशी। आज बात करते हैं बुलबुल मूवी के रिव्यू की। बुलबुल मूवी के ट्रेलर से कुछ खास पता नहीं चल रहा था कि फिल्म कैसी है, यानी कि मिस्टीरियस है, थ्रिलर है, हॉरर है कि सुपरस्टिशियस है। लेकिन फिल्म देखने के बाद इन सब बातों से पर्दा उठ जाएगा। फिल्म की कहानी है 1881 के बंगाल की, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले का बंगाल। फिल्म की कहानी एक हवेली के आसपास घूमती रहती है, जिसमें इंद्रनील यानी कि राहुल बोस की शादी हो जाती है बुलबुल यानी तृप्ति भीमरी से। बुलबुल और इंद्रनील की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क है। राहुल बोस ने इस फिल्म में डबल कैरेक्टर का रोल प्ले किया है। एक तरफ है इंद्रनील जो थोड़ा सा घमंडी अकड़ू टाइप का इंसान है, और दूसरी तरफ है मोहिंदर जो थोड़ा सा हिला हुआ यानी कि मेंटली डिस्टर्ब है। इंद्रनील और मोहिंदर का छोटा भाई है सत्या, जो बुलबुल की उम्र का है। रिश्ते में सत्या बुलबुल का देवर है, लेकिन बुलबुल ने सत्या को कभी अपना देवर माना ही नहीं। वह उसे हमेशा प्यार की नजर से ही देखती रहती है। कहानी अब 20 साल आगे चली जाती है, जहां सत्या विदेश से पढ़ाई पूरी करके अपने गांव लौटा है। उसे हवेली बदली बदली लगती है। इंद्रनील अब हवेली से बाहर रहने लगा है और मोहिंदर की भी मौत हो चुकी है। अब एंट्री होती है डॉक्टर सुदीप की, जिसे परम बत्रा चट्टोपाध्याय ने प्ले किया है। गांव में अचानक से कत्लों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लोगों को शक है कि कत्ल किसी और ने नहीं उल्टे पांव वाली चुड़ैल ने ही किया है, लेकिन सत्या इन कत्लों के पीछे की सच्चाई जानने का जिम्मा उठाता है। इस फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है कि कैसे औरतों पे अत्याचार होता है और उन्हें इसे सहना ही पड़ता है। और अगर वही औरत उस अत्याचार के लिए आवाज उठाए तो कुछ लोगों के लिए वह चुड़ैल है और कुछ लोगों के लिए काली माता का रूप। बंगाली कल्चर पूजा कॉस्ट्यूम अटायर फुल फील लेकर आता है। सत्या और बुलबुल को देखकर आपको देवदास के देव और पारो की याद आएगी। और इंद्रनील यह देखकर सत्या को गांव छोड़ने को कहता है। ऐसा इंद्रनील ने क्यों कहा, यह फिल्म देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा। क्या एंड में सत्या खूनी तक पहुंच पाएगा या खूनी चुड़ैल है? आखिर चुड़ैल है कौन? सिर्फ 1.5 घंटे की फिल्म को देखो और जानो। अब बात करते हैं फिल्म के प्लस पॉइंट की। फिल्म छोटी जरूर है, लेकिन टैलेंटेड वर्सटाइल अन्विता दत्ता ने इसे बनाया है। किरदारों की एक्टिंग भी धमाल है। फिल्म का म्यूजिक आपको स्वर्ग वाली फीलिंग देता रहेगा, लेकिन अंदर से आपकी रूह को भी कांपने के लिए मजबूर कर देगा। इसका मतलब आप डर रहे हैं। अब बात करते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंस की। तृप्ति दिमली की एक्टिंग सबसे पावरफुल है। आसान भाषा में बोलें तो एक नंबर। इंद्रनील और मोहिंदर का रोल निभाने वाले राहुल बोस, इस करेक्टर से आपको नफरत हो जाएगी, जो कि इस करेक्टर का हाईलाइट है। सत्या यानी अविनाश तिवारी की भी एक्टिंग जबरदस्त लाजवाब है। विनोदनी यानी पाउली डैम मोहिंदर की बीवी का रोल निभाने वाली, छोटा रोल है मगर बहुत ही पावरफुल रोल है। अपनी छाप छोड़ी है पाउली ने एक्टिंग से। परम बत्रा चट्टोपाध्याय यानी कि डॉक्टर सुदीप की एक्टिंग के लिए उनको हैट्स ऑफ। नेपोटिज्म वाले एक्टर्स को दूर कर दीजिए और इन फ्रेश एक्टर्स को लेके आइए, फिल्म देखने में भी मजा आएगा। फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं और अमित त्रिवेदी का म्यूजिक तो 4 चांद लगा देता है। वैसे फिल्म में एक ही चांद है और वो भी पिंक। कलर्स के साथ बहुत अच्छा खेला गया है, क्योंकि VFX का जमाना है भाई। हमारे इंडियन कैप्टन विराट कोहली की श्रीमती जी के प्रोडक्शन हाउस में बनी है फिल्म। इसका मतलब पैसा ही पैसा। बंगाल का कल्चर और काली माँ का आशीर्वाद, फिल्म का मैसेज, और एंड में आपको तो चुड़ैल से भी प्यार हो जाएगा। बहुत अच्छा अच्छा हो गया है, कहीं फिल्म को हमारी ही नजर न लग जाए, इसलिए बात करते हैं इस फिल्म के माइनस पॉइंट की। फिल्म चलती नहीं है, रेंगती है भाई रेंगती। कछुआ भी तेज चलता है मगर ये फिल्म तेज नहीं चलती। एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद खड़े हो जाओ और फिल्म को धक्का मारो कि भाई अब इस फिल्म का एंड कर दे। कुछ करेक्टर्स को तो फिल्म में मरने के लिए ही लेकर आए हैं, बाकी चुड़ैल को भी गोली लगने से खून निकल आता है। आखिर चुड़ैल है वो, दर्द उसे भी होता है, इमोशंस उसमें भी हैं। पहली बार आप ऐसी चुड़ैल से मिलोगे जिसके पांव तो उल्टे हैं मगर वो चलती सीधा ही है। लेकिन फिल्म फिर भी बहुत हटके है। नए चेहरे फ्रेश एक्टर्स के साथ आपको ये फिल्म थोड़ी फ्रेश फ्रेश फील कराएगी। ऐसी और लेटेस्ट फिल्म रिव्यूज, वेब सीरीज, लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज बस एंड हिट द लाइक बटन।